हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेवेंथ चैप्टर ऑफ बायो, इलेवेंथ क्लास। सो हमारा इसमें थर्ड पैराग्राफ है फ्रॉग 7.5। इट मींस यहाँ पे फ्रॉग से रिलेटेड हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। ओके, सो फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर। इट मींस जो फ्रॉग होता है, आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मेंढक है, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रेना। और ये कैसा होता है, एम्फीबियन है, मतलब ये लैंड एंड वाटर दोनों में स्टे कर सकता है। इसके अलावा ये एम्फीबिया क्लास है इसकी, और फाइलम कॉर्डेटा का एनिमल है। इट मींस इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम अवेलेबल होता है। सो द कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रेना। इसका बायोलॉजिकल नेम राना टिग्रेना है। और दे हैव डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए ये क्या होता है, समर सीजन में एंड विंटर सीजन में क्या करता है, ये दिखाई नहीं देता। ये रहता है डीप, कहाँ पे चला जाता है, ये जमीन के अंदर रहता है ये। ओके, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं स्लीपिंग पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न इसका जो स्लीपिंग पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कूल ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड होता है, यानी कि ठंडा होता है, शीत रक्त प्राणी इसे बोला जाता है। और इसे हम बोलते हैं पोइक्लोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक मिमिक्री, मतलब इसमें एक चीज़ होती है कि ये अपने एनिमी मतलब दुश्मन से, शत्रु से बचने के लिए खुद के कलर को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये अभी ग्रीन कलर का है, जब ये विंटर कब निकलता है, विंटर सीज़न में, और विंटर सीज़न में बहुत सारी ग्रास ग्रो करती है, मतलब घास उग जाती है, तो घास में कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। ये खुद के कलर को घास के जैसा बना लेता है। जनरली इसका कलर ग्रे होता है, ठीक है। इसके वेंट्रल साइड मतलब इधर लोअर साइड में इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कलर चेंज करने की जो हैबिट होती है, जिसे हम मिमिक्री बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, यू मे ऑल नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए, किससे, गर्मी और सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए ये क्या करते हैं, डीप बोरोज मतलब अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर गहराई में रहते हैं। दिस नोन एज समर स्लीप। समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, और विंटर स्लीप को बोलते हैं हिबरनेशन, ठीक है। तो ये तो हो गई जनरली बात इसकी। अब मॉर्फोलॉजी हम जान सकते हैं, जो इसकी बॉडी का आकार है वो कैसा होता है वो हम जान लेते हैं। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। आपने कभी इस फ्रॉग की स्किन को टच किया होगा। दिस इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो इसकी जो स्किन है वो कैसी होती है, सॉफ्ट स्मूथ यानी चिकनी होती है। द स्किन ऑफ ऑलवेज मेंटेन इन द मोस्ट कंडीशन। द कलर इज डोर्सल साइड ऑफ बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। इसकी बॉडी पे कुछ इरेगुलर इस टाइप के स्पॉट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और ये कौन सी, इस साइड को बोलते हैं जो ऊपर साइड दिख रही है, एक डोर्सल साइड है, नीचे वाली साइड होती है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। और जो साइड में होती है, ये जो साइड वाला इस तरह से इसकी होती है, जिसमें मतलब ऊपर डोर्सल और वेंट्रल साइज के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लैटरल साइज, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लैटरल साइड में इसका क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ठीक है। फ्रॉग कभी क्या नहीं करता, पानी को पीता नहीं है। बट ये क्या करता है, एज और थ्रू द स्किन, इसकी स्किन के थ्रू ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक, मतलब इसकी बॉडी है टू पार्ट में डिवाइड होती है लाइक दैट। ये इसका ट्रंक हो गया, ट्रंक मीन्स होता है धड़, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, और ये हो गया उसका हेड,
ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे इसकी नेक एंड टेल दोनों एब्सेंट होती हैं, ठीक है, ओके, दोनों एब्सेंट होती हैं। और इसमें क्या होती है, आई अवेलेबल होती हैं, टू आई अवेलेबल होती हैं, और इसमें दो टू नॉस्ट्रल, दो नासा छिद्र इसके अवेलेबल होते हैं, राइट, ठीक है, ठीक है। तो अबव द माउथ अपीयर ऑफ नॉस्ट्रल, अपीयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट, आई आर बल्ग्ड द कर्व कवर्ड बाय ए निकटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। जब ये पानी के अंदर होता है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये जब पानी में रहता है तो उस समय इसकी जो आइस है उसको प्रोटेक्ट करती है कौन सी मेम्ब्रेन, तो यहाँ ये देखिए यहाँ पे दी हुई है निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो इसकी आइस को प्रोटेक्ट करती है, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वन आइदर साइड आइज और मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर, ये जो टिम्पेनम मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे होती है, इसके कान में होती है, ईयर में होती है। सो ये क्या करती है, रिसीव साउंड सिग्नल्स, इससे वो सुनाई, इसको सुनाई देता है, ठीक है। फिर द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, अब इसके जो पैर होते हैं, फुट होते हैं, वो कितने होते हैं, टू साइड होते हैं, टू साइड होते हैं, तो टू टू फोर होते हैं, इनको हम बोलते हैं फोर लिम, और पीछे वालों को बोलते हैं हाइंड लिम। अब यहाँ पे बात आती है जो हाइंड लिम होते हैं ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मसल्स, ये कैसे होते हैं, मसल होते हैं, मतलब इनमें खूब मसल्सों का बना होता है, ये इनमें मसल्स रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरिया के कुछ कंट्री के लोग होते हैं जो इसके हाइंड लिम की मसल्स को खाते हैं, ठीक है, और भोजन के रूप में उनका भोजन होता है, ठीक है। तो इसके जो हाइंड लिम एंड फोर लिम है, इसको स्विमिंग, मतलब पानी में जब रहता है तो तैरने में, वॉकिंग करने में, ओके, और बोरिंग करने में हेल्प करते हैं, मतलब कभी जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के घुसता है तो उसमें भी उसको मिट्टी को हटाने में ये हेल्प करते हैं। द हाइंड लिम एंड एंड फाइव डिजिट, अब इसके जो हैंड लिम है इसकी ये उंगलियां टाइप लाइक फिंगर स्ट्रक्चर है, इस फाइव पार्ट में डिवाइड होता है, और आगे वाली किस्म कितने में होती है, फोर लिम, फोर पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सो द हाइंड लिम एंड इन फाइव डिजिट एंड दे आर लार्ज, और ये कैसी होती हैं, पीछे वाली जो डिजिट होती है फाइव डिजिट वो लार्ज होती है, एंड मस्कुलर देन फोर लिम एंड एंड फोर डिजिट, जो फोर लिम होती हैं वो फोर डिजिट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, फोर डिजिट में शो होती हैं। फीट हैव विव्ड डिजिट हेल्प इन स्विमिंग, अब इसके जो पैर हैं वो किसके करते हैं, तैरने में इसकी हेल्प करते हैं फ्रॉग। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे समर रेनी सीज़न में जब मेंढक होते हैं तो रेनी सीज़न में ही हमको दिखाई देते हैं, और उस समय पे जब बारिश होती है या मौसम होता है तो हमें बहुत ही मेंढक की बोलने की आवाज़ आती है। तो इसमें जो वोकल कार्ड होता है, वोकल सैक होता है, वो किसके अंदर होता है, सिर्फ मेल के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये हमारे हो गए, क्या हो गया, ये हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारी एनाटॉमी, एनाटॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें उनके बारे में हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में हम सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ की, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच ए डाइजेस्टिव, अब इसका जो ये क्या है, ये जो एनाटॉमी है ये सारा क्या है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे, इसकी सिमिलरिटी मोस्टली किससे की जाती है, ह्यूमन बीइंग के कुछ ऐसे इसके इंटरनल ऑर्गन हैं जो सिमिलरिटी शो करते हैं ह्यूमन बीइंग से, ओके। सबसे पहले तो ये कॉर्डेट्स है, मतलब कॉर्डेटा है, ये स्केलेटन इसके अंदर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं थोड़ा देख लेते हैं, ये देखिए इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, नर्वस, एसिडिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट मींस इसमें पाचन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, नर्व तंत्रिका तंत्र होता है, और उत्सर्जन तंत्र एंड जनन तंत्र, ये सारे सिस्टम इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, और ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंस्टाइन इज रिड्यूस, जो हमारा फ्रॉग होता है ये कैसा होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, इट मीन्स ये सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं
ये प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो किसको कंज्यूम करते हैं, वो प्रोड्यूसर को करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब होता है उत्पादक, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। इट मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ और ये सारे प्लांट, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, इसीलिए वो खुद से अपना फूड रेडी कर लेते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कार्निवोर्स होता है क्योंकि ये दूसरे फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेता है, इसलिए इसको कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, मांसाहारी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द माउथ ओपन इन टू द बक्कल कैविटी दैट लीड टू द ऑइसोफेगस थ्रोफेरिंग्स। यहाँ पे इसका माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स ऐसी जगह होती है, ऐसा कैविटी होती है जहाँ पे वो कोई भी खाने की चीज़ मुंह में रखता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये कैसी हो रही है आपको, ट्राइंगुलर टाइप की दिख रही है। तो ये हार्ट होता है किसका, अपने मीन्स फ्रॉग का हार्ट होता है, और थ्री चैम्बर में डिवाइड होता है हार्ट। तो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंढक का या आपके फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। राइट, ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें दो किडनी होती हैं। ये किडनी का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वन टू टू किडनी है इसके अंदर। इसके अलावा ये आपका क्या, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये क्लोका है, और लिवर है, ये ओएसोफेगस है, देन स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इट इज़ रेक्टम। इस तरह से इसका क्या है, एलिमेंट्री कनाल इतने पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये ओएसोफेगस किस में ओपन होती है, फेरिंग्स के थ्रू किस में ओपन होती है, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस इज़ अ शॉर्ट ट्यूब, जो ओएसोफेगस से बहुत छोटे छोटी नलिका होती है, शॉर्ट ट्यूब होती है, दैट ओपन इनटू स्टोमक विच टर्न इनटू द इंटेस्टाइन स्मॉल इन द इंटेस्टाइन। यहाँ पे ऊपर जो ओएसोफेगस है वो किससे जुड़ा हुआ है, किस में जाके ओपन होते हैं, स्टोमक में, और स्टोमक कहाँ पे, किस में जाके जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या ये देखो आपको दिख रही है, इंटेस्टाइन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन किस में जुड़ी हुई होती है, ये रेक्टम में जुड़ी हुई थी, और रेक्टम का जो लास्ट पोर्शन होता है वो क्लोकवा एपर्चर इसमें ओपन होता है। तो इस तरह से इसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और माउथ से लेके क्लोकवा तक इसका एलिमेंट्री कैनाल जुड़ी होती है। ठीक है, लिवर सीक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द बाइल वॉल इसमें गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से क्या होता है, पित्तरस, इसे हम बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, तो दैट इज़ अ गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ से आपको लिवर दिखाई दे रहा है, ये जो लिवर है, ये लिवर है। ठीक है, लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कहाँ पे स्टार्ट आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। पैनक्रियाज एड डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाज जूस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से पैनक्रियाज जूस भी क्या होता है, सीक्रेट होता है, और जिस जो डाइजेस्टिव एंजाइम के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब फूड इज कैप्चर्ड फ्रॉम द ब्लोब्ड टंग। इसकी जो टंग होती है आप देख रहे हैं, ये क्या है, टंग इस तरह से। तो ये क्या करती है, इसके जो शिकार होता है, उसका जो फूड होता है उसको कैप्चर करने में, पकड़ने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो और इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टोमक। यहाँ पे इसके स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है, HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, कहाँ से, जो स्टोमक है इसकी जो वॉल है यहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट, अब यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड मतलब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब अधपचा भोजन जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम क्या, इसको क्या नाम दिया गया है, काइम बोलते हैं। ठीक है,
काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टोमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, द ड्यूडेनम रिसीव वाइल फ्रॉम गॉलब्लैडर इज पैनक्रियाज जूस द पैनक्रियाज थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, बाइल इंस्ट्रूमेंट फैट पैनक्रियाज जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनका क्या होता है, पैनक्रियाज के थ्रू जो जूस मिलता है, जो जूस सीक्रेट होता है, उनके थ्रू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई, एक छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो वाटर होता है उसको माइक्रोविलाई या विलाई, एक उंगली जैसी संरचना होती है, उसके द्वारा वाटर को फूड में से क्या कर लिया जाता है, अनडाइजेस्टिव फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टिव सॉलिड वेस्ट मूव इन टू द रेक्टम पास आउट थ्रू क्लोका, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे रेक्ट इसके फ्रॉग के रेक्टम में जाता है, और रेक्टम इसको कहाँ पे आगे रिमूव कर देता है, कहाँ पे क्लोकोआ में। इस तरह से जो फ्रॉग है उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। अब फ्रॉग, पहली बात तो एम्फीबियन है, इट मींस उभयचर, ये लैंड एंड वाटर दोनों में स्टे करता है, इसीलिए इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें टू टाइप से होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग है वो कैसे करता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन करता है एंड स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन करता है, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टू डिफरेंट मेथड इन वाटर स्किन एक्ट एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब यहाँ पे एक्वाटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जब ये पानी के अंदर होता है तो वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्शन थ्रू द स्किन वायर डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये वाटर में सॉल्यूबल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, इस तरह से वो रेस्पिरेशन करता रहता है। वन लैंड द वक्कल कैविटी स्किन लंग्स एक्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यहाँ पे जमीन पे वो कैसे करता है, ये कैसे करता है, वक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है, स्किन के थ्रू भी करता है, एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके थ्रू भी कर सकता है, ये स्किन के थ्रू भी कर सकता है और बक्कल कैविटी के थ्रू। द रेस्पिरेटरी वाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब फ्रॉग का रेस्पिरेशन लैंड में होता है या पृथ्वी पे करता है वो, तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको पता लग गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्यूटाजिनस रेस्पिरेशन, किसको, जब वो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटाजिनस रेस्पिरेशन, एंड जब वो लैंड में कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्थ आर, दोनों क्वेश्चन आपके कैसे हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप से लर्न करना है, याद रखना है। तो द लंग्स आर अपियर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर, इसके जो लंग्स यानी कि फेफड़े हैं वो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इसके जो ट्रंक मतलब धाड़ है उसके ऊपरी एरिया में मौजूद होते हैं, क्या, थॉरक्स में, जिसे हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है कि फ्रॉग का जो बॉडी है टू पार्ट में डिवाइड होता है, हेड एंड थॉरक्स, तो थॉरक्स पीछे वाला, हेड के पीछे वाला पार्ट होता है, उसके अपर एरिया में क्या लंग्स अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन, जब ये क्या करता है, एस्टिवेशन मतलब समर सीजन और हाइबरनेशन मतलब ये विंटर सीजन में गैसेज एक्सचेंज लाइक प्लेस थ्रू स्किन, यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या करता है, स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे, इससे आगे चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब द वैस्कुलर सिस्टम फ्रॉग इज वॉल डेवलप क्लोज टाइप, इसका जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपको मैं वो चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ, इसमें क्या होता है, एक हार्ट होता है बताया, वो थ्री चैम्बर में डिवाइड होता है हार्ट, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे,
एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसकी बॉडी के अपर पार्ट में क्या अवेलेबल होता है? हार्ट अवेलेबल होता है, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसका जो सॉरी मस्कुलर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ऊपर की जो बैक बॉडी कैविटी होती है वहाँ पे इसका हार्ट अवेलेबल होता है। इट हैज़ थ्री चैम्बर, टू एरियाज, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो इसका हार्ट होता है उसमें टू पार्ट होते हैं, एट्रिया जिसे बोलते हैं और वन पार्ट होता है जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये किसके थ्रू कवर्ड होते हैं? मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, आ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनिसस जॉइन इन राइट एट्रियम। ठीक है, इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वीन्स कॉल्ड वीना काना। अब इसमें क्या होती हैं, मेजर वीन्स होती हैं जिनके थ्रू ये रिसीव किया जाता है क्या ब्लड। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आपको आई थिंक सो कंप्लीट हो गई होंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ये भी हमने पढ़ा है कि फ्रॉगमेंट टू कैसे होता है, वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक पेयर किडनी का होता है, यानी कि एक इसके राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में दो किडनियाँ होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। द ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, द ब्लड सेल आर RBC, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों होती हैं। RBC जिसमें हीमोग्लोबिन होता है इसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और वाइट ब्लड कार्पल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, एंड क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि एरिथ्रोसाइट्स होती है वो क्या होती है। रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, और इनका लाल कलर, रेड कलर किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सो ये क्या है, RBCs as nucleated and contain red colored pigment namely hemoglobin। जो रेड कलर का पिगमेंट होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन मीन्स हीम, मतलब लोहा या आयरन से है, मतलब ये ग्रीक वर्ड है। तो हीमोग्लोबिन से मतलब इसमें लोहा और आयरन पाया जाता है, इसीलिए इसको हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट में, यूरोटेलिक आपको हाईलाइट दिख रहा है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इस यूरोटेलिक एनिमल। यूरोटेलिक एनिमल हैं जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन या अदर एनिमल की बॉडी में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होता है जिनको बॉडी से बाहर करना या एक्सक्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया होता है। उसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे पहले यूरिया के थ्रू उसको यूरिक एसिड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ही इसको बाहर यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर एग्जिट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो उसी को यहाँ क्या बोलते हैं, जो ऐसा करते हैं यूरिया के थ्रू एक्सक्रेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं यूरोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये क्या है, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस पे दिया गया है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं 7.21। ठीक है, तो यहाँ पे या आप देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं आ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड आ ऑटोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितने पेयर्स में होती है, 10 पेयर्स, मतलब 10, और 10 कितनी होती है, 20 होती हैं। सॉरी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखिए कि फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी, पैपिली, टेस्ट मतलब टेस्ट बर्ड्स, स्मेल एंड नोजल एपिथेलियम, विजन मतलब आइज, एंड हियरिंग मतलब टिम्पेनम विथ
इंटरनल ईयर्स इसके जो देखिए जो मैमल्स होती हैं उनके जो कान होते हैं, कान बस इंटरनल जो इंटरनली होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम ईयर बोलते हैं या कान बोलते हैं। लेकिन बाहरी साइड कुछ एनिमल्स के कान दिखाई देते हैं, इट मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। वो क्या करते हैं, ईयर को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज आईज इंटरनल ईयर आर बेल्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन द रेस्ट ऑफ सर्कुलर रेस्ट आर सेलुलर अरेंगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी दी गई है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम, मेल और फीमेल, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मेल में क्या होता है, इस तरह से कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। आगे हम पढ़ते हैं, फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन कस्टी वन पेयर येलो वाइस ओवाइड टेस्टिस। इसमें जो क्या होते हैं, टेस्टिस अवेलेबल होती हैं, कैसे, एक पेयर मतलब दो टेस्टिस अवेलेबल होती हैं, विच आर फाउंड अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड और पेरिटोनियम कॉल्ड मीसोरकियम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाजा एफरेंचिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। इसमें 10 से 12 नंबर में क्या एरा होते हैं, वाजा एफर्टिना, ठीक है। दे आर एंटर किडनी ऑफ द देयर साइड ओपन इन विडर कैनाल। सो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला जो आपको डायग्राम है ये मेल ऑर्गन का है, ये फीमेल ऑर्गन का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओबरी हैं वो भी कितनी दी गई है, यहाँ पे ओबरी और ओबा, ओबरी ओबा दो दिख रहे हैं आपको, और ओबीडक्ट है ये, ठीक है। इसमें जेनिटल डक्ट हैं, ये आपके किडनी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं, और यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है। और ये पे एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है एक्चुअली ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं फाइट, जो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है इसे बोलते हैं लड़ाकू हार्मोन या फाइटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉग होता है वो वन टाइम में 2500 से 3000 मतलब 2500 to 300 ओवा एट अ टाइम, मतलब एक फीमेल, एक मेच्योर फीमेल कितने 250 से 300 अंडे एक बार में दे सकती है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओबरी हैं और ओबा, ओबरी और ओबा आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर है ये ओबरी है दोनों साइड में। अब इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, ओबा मतलब अंडे भरे हुए हैं, और ये अंडे कितने हो सकते हैं, 2500 से 3000 के बीच में हो सकते हैं। इट मीन्स एक फीमेल इतने सारे फ्रॉग को वॉर्न कर सकती है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद करने के लिए है आपको, कि इसके जो लार्वा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है फ्रॉग में, कि नेक एंड टेल एब्सेंट होती है, बट लार्वा में ये चीज़ दिखाई देती है, इट मीन्स जो टेल होती है वो दिखाई देती है, जिस इसका लार्वे का नाम होता है टैडपोल लार्वा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा, ठीक है। और जब ये मेंढक लार्वा या फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है तब इसमें टेल दिखाई देती है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको फ्रॉग में ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो अगेन आप एक बार और वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी समरी है, और ये एक्सरसाइज है कुछ आंसर एंड वन वर्ड में, जैसे गिव द कॉमन नेम ऑफ पेरीप्लेनेंटा अमे